उसके बारे में बात करेंगे। मसलन अगर आप पढ़ेंगे सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 30 पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने बिग बैंग जो थ्योरी है उसके बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में 1433 साल पहले बता दिया। इस तरीके से आप बात बात करें अगर आप पढ़ेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने चंद क्राइटेरिया दिए हैं। वो क्राइटेरिया क्या है अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं खुल इनकाना आबाओ व अबनाओ व इख्वानो व अज़वाजो व आशीरतो व अमवालो इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकीन तर्ज़ौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादुन फी सबीलिही फतरबसू हत्ता यातिअल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें दुनिया में जो जीते हैं हमारे अकराब अपना जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब रिश्तों को गिनवा कर अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं और सबसे बेहतर यह है कि तुम दावत ही काम करे। अल्लाह सुब्हान व तआला इसकी किन किन चीजों को गिनवाया अल्लाह सुब्हान व तआला का खुद इनका ना आबा हो अगर हम चाहे तुम्हारे वालिदैन हो भाई बहन हो रिश्तेदार दोस्त अहबाब हो तुम्हारा हाल हो जान हो तुम जो बिजनेस करते हो जो भी तुम दुनिया में हर चीज करते हो उससे अफजल अगर तुम्हें दावत दीन का काम अगर नहीं रहा दूसरों को दीन पहुंचाने का काम अगर तुम्हें नहीं रहा तो अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं फतरबसू अल्लाह कह रहे हैं रुको हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर तब तक कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर ना आ जाए। अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं अगर तुम इन चीजों से बढ़कर दावत दीन को नहीं चाहोगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कि रुक जाओ तब तक कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आ जाए। और आपको मालूम है हम रुक गए हम वो आए वहीं तक पड़े। अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहा सारे रिश्तों को छोड़कर दावत दीन को चाहो नहीं तो रुक जाओ वहीं तक आए तो फुल स्टॉप डाल हम क्या करें रुक गए। और किसका इंतजार कर रहे हैं अजाब का अल्लाह के अजाब का इंतजार करते हुए बैठे हैं कैसी मुसलमान कौम और उम्मत है हमारी दावत दीन के काम को छोड़कर अल्लाह के अजाब का इंतजार करते हुए बैठे हैं। दावत दीन क्या है अब आपसे सवाल करता हूं दावत दीन क्या है तब से कोई नहीं कहना चाहता अल्लाह के दीन के तरफ जो हक वाला दीन है उसको उसको अल्लाह के दीन को की तरफ लोगों को बुलाना दावत दीन है। दावत दीन क्या दावत दीन कब कब करेंगे जब टाइम मिल गया भाई 10-15 मिनट का टाइम मिला तो कोई मिले तो उसे दावत दीन का काम ऐसा करेंगे काम। और जज्बा नहीं है और वो नौजवान सहाबी जो अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद थे कैसे थे अपनी जान माल हर चीज को अल्लाह के नबी के सामने कुर्बान कर देते थे किसके लिए दावत दीन के। आप इस दुनिया में और दीन में सबसे कामयाब शख्स बनना चाहेंगे बना कौन बनना चाहेंगे बनना चाहेंगे कि नहीं दुनिया में सबसे कामयाब शख्स कौन है दुनिया में सबसे कामयाब शख्स कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं उनसे कामयाब कोई हो सकते नहीं हो सकते। उनका असल मकसद क्या था रसूल बनाने का असल मकसद क्या था अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह माईदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 67 में फरमा रहे हैं ऐ नबी अगर ये काम आप नहीं करते दावत दीन का काम अगर आप नहीं करें ये कुरान मजीद जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने नाज़िल की इसको दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि वो सारी इंसानियत को खाली आयत को सारी इंसानियत को अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ बुलाए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में फरमाया वमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल आलमीन ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। समझ में आया तो सबसे कामयाब शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सबसे मेन मकसद असल मकसद रसूल बनाकर भेजने का क्या था दावत दीन का काम था। अगर आपको दावत
दीप के काम को जज्बे से पकड़ेंगे और उसकी राह पर चलेंगे तो क्या होगा, आप इंशाल्लाह कामयाब बन सकते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा? आप इस दुनिया की जितनी भी कोशिशें हैं आप जिद्दोजहद करिए, मगर आप अल्लाह के दीन को समझने से चूक गए या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से चूक गए तो आपकी ना जिंदगी कामयाब है ना आपकी आखिरत कामयाब है। अब समझ में आया दाऊद दीन की अहमियत? तो आप सब लोग अपने आप में एक तैयार कर लें, अपने आप में एक जज्बा पैदा करें कि जो खैर है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, एक बच्चा है वो बच्चा माँ की हर बात मानता है, वाले की हर बात मानता है, हर चीज मानता है, मगर एक दिन आकर वो कहता है कि जो मैं वालिद जिसको कह रहा हूं, माँ से पूछता है जो मैं जिसको वालिद कह रहा हूं, क्या बात है जो वालिद है? अगर अगर ये कहे कि जो बाजू वाला है अगर वो मेरा वालिद है तो माँ क्या करेगी? माँ करेगी। अल्लाह सुभाना ताला को छोड़कर गैर कहता है कि फला शख्सियत खुदा है, फला शख्सियत रब है, फला शख्सियत जिंदगी में मौत देता है, फला शख्सियत खाना और पीना देता है, फला शख्सियत मेरी जिंदगी में कामयाबी लाता है। तो हमारे खाने को एक जूनी रही थी, इसका मतलब यह है आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, कर रहे हैं सच में। अब आप लोग वालिद से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं अगर वालिद साहब बोले एक गिलास पानी लेकर आओ तो पाओ के तुम लेकर मोहब्बत हुई, मेरी मोहब्बत हुई, ऐसी मेरी मोहब्बत है, मैं मेरे वालिद साहब के लिए मैं जान दे दूंगा मगर पानी का गिलास नहीं दे सकता, ऐसी कुछ मोहब्बत है नहीं। अल्लाह सुभान व तआला सूरे आले इमरान सूरह मुस्लिम की आयत नंबर 31 में फरमाते हैं खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, जिसका माना यह है कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अल्लाह सुभान व तआला क्या कह रहे हैं, मेरे रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत में हम कितने चूक गए हैं, अगर कभी आए अल्लाह के नबी आप किस कौम के लिए अल्लाह से शिफा और सिफारिश कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके तालीमात को हासिल करने के बाद आपकी नफरमानी करते थे, आपके तालीमात को हासिल करने के बाद उनको छोड़ देते, ये कभी जिंदगी में सोचे नहीं कि अल्लाह की वहदानियत को दूसरों तक पहुंचाए, आप इनकी भी सिफारिश करेंगे और उनमें से अगर आप या मैं रह गए तो उस मंजर को सोचिए, मैदान मशा का मंजर, जब यस बोले तो जन्नत बोले तो दोजख का मामला आगे ठहरा हुआ है, जल का मामला, उस पर सिफारिश के टाइम पर ऐसा कुछ हो गया तो क्या रहेगी हमारी हालत? समझ में आया दाऊदीन का कितना बड़ा, कितनी बड़ी अहमियत एक मुसलमान का है। आप सोचिए कि हर नबी जो भेजा गया क्या मकसद से भेजा गया, क्या मकसद उसका जिंदगी इस दुनिया में आने का? मकसद यही था कि लोगों को अल्लाह की तरफ ही बुलाए। क्यों? इस दुनिया में मुसलमान भी अल्लाह के अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो नियमत देता है मुसलमान भी उसको लेता है, मुसलमान भी उसको लेता है, वो क्यों ले? जब वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता तब भी वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतों और बरकतों को जो नेचुरल रिसोर्सेस इस दुनिया में मौजूद है उसको हासिल करता है, मगर वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान नहीं लाता। सोचिए आपसे हर चीज आपसे हर फायदा उठाता है मगर आपको मानता ही नहीं, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कितना रहमान और रहीम है कि नहीं मानने वाले को भी देता है, मानने वाले को भी देता है और नाफरमान को भी देता है। आपको कुछ बात समझ में दाऊदीन की अहमियत कितनी और दाऊदीन की अहम फरमान मुझे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 56 में फरमा दिया कि हमने इंसानों को वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिनों को इसलिए ही पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की क्या करे, इबादत करे। इबादत में क्या शामिल हो गया? इबादत में क्या शामिल हुआ?
नमाज में ज़कात है, यही बात है नहीं। कुरान मजीद में जितने भी तालीमात अल्लाह सुब्हान तआला ने नाज़िल किए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अहदीस पर आप ईमान लाते हैं उस पर अमल करते हैं वो अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत है क्या नहीं? दावत दीन क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत है। अल्लाह सुब्हान तआला ने जिस मकसद से हमको पैदा किया वो मकसद ही पूरा नहीं कर, आप एक अहदे पर आ गए, आप एक कंपनी के मैनेजर बन गए मगर क्या कर रहे हैं? कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो क्या आप कंपनी के मैनेजर बनने के लायक नहीं? आप एक अहदे पर आ गए, आप बिना रिक्वेस्ट किए, बिना सिफारिश किए, बिना दुआ करे आप मुसलमान घराने में पैदा होकर मुसलमान बने हैं, क्या आपने एक बार भी अल्लाह सुब्हान तआला से रिक्वेस्ट की थी पैदा होने से पहले कि अल्लाह मुझे मुसलमान बना दे, अल्लाह मुझे मुसलमान घराने में पैदा कर, एक बार भी आपने अल्लाह सुब्हान तआला से रिक्वेस्ट की थी? नहीं की थी। अल्लाह का कितना रहम है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हें बिना पूछे मुसलमान घराने में पैदा किया, बिना पूछे अल्लाह को मानने वाला बनाया, बिना पूछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला बनाया, बिना पूछे कुरान की आयतों पर इल्म लाए अमल करने वाला बनाया इंशाल्लाह, और कुरान मजीद की आयतों पर यकीन करने वाला बनाया। अल्लाह सुब्हान तआला का एक बार भी हमने शुक्र अदा किया, शुक्र अदा नहीं किया। जो खैर है उससे पूछिए जो इल्म की तलाश में है, और अगर वो अल्लाह ना खास्ता बिना इल्म के खैर ही रह कर मर गया और जहन्नुम में गया तो उसके दिल पर क्या? उन्होंने एक मिसाल दिया है बात को फ्री की चीज की जो फ्री में मिलती है उसकी अहमियत नहीं। आपको हमारा दिन कैसे मिल गया? बाप बाप भी मुसलमान थे, वालिदा भी मुसलमान थे, अब हम लोग फ्री में दीन मिल रहा है तो क्या रहेंगे उसकी अहमियत ही नहीं रही। उस इंसान से पूछिए जो अल्लाह के दीन को समझकर दीन में दाखिल हो रहा है और दीन पर अमल करता है। आप अगर दावत का काम नहीं करते, आप लोग चाहते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं क्या? अल्लाह से चाहता है क्या भाई? प्लीज दावत का काम करो, अगर तुम नहीं करोगे तो अभी नहीं बैठेगा सब। अगर पूरी दुनिया में एक मुसलमान भी दावत का काम नहीं कर रहा है, अल्लाह के दीन को नहीं फैला रहा है तो क्या हमारा नुकसान है इसका? क्या अल्लाह का नुकसान है इसका? उसके अंदर दीन का नुकसान है नहीं। अगर चाहे तुम फैलाओ या मत फैलाओ ये तो बगैर अल्लाह का दीन है, चाहे तुम्हारे जरिए या तुम्हारे छोड़कर अल्लाह के दीन को फैलना ही फैलना। समझ में आएगा? ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें उन लोगों को चुनने जो अल्लाह के दीन को फैलाने के मददगार बन जाए, अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए बन जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह क्या करेगा? दूसरा जो गैर है उसको ईमान के अंदर दाखिल करेगा और उससे बाद भी काम करवाएगा। मसलन अबू अमन अल्लाह के सलाम सलाम कुछ नहीं, वो पहले क्या थे? उसके बाद यूसुफ एस्टेस का नाम सुने आप? सुने उनमें क्या थे? क्रिश्चियन थे। ऐसे कई सारे नबी के दीन हैं जो अभी दावती काम को इतनी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं जो कभी हम हमारी 60 साल 70 80 90 साल की जिंदगी में तसव्वुर ही नहीं करते। अल्लाह की सुन्नत काम आ गई, अल्लाह ने कहा तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं गया। क्या होगा? अल्लाह सुब्हान तआला गैर करवाएगा और उससे काम करवाएगा। हम हमारी खुशनसीबी ये जानना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला, मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें उन लोगों को चुन ले जो अल्लाह के दीन को फैलाने में अभी लगे हुए हैं। समझ में आएगा? तो दावत दीन का काम सिंपल ऐसी है नहीं। अब पूछता हूं आपसे दावत दीन क्या है? अल्लाह के मैदान की तरफ, अल्लाह के दीन को सब अल्लाह के दीन की तरफ सबको बुलाना है। कब करना है? हर हाल में करना है, हर हाल में, हर मर्द हर औरत हर किसी को दावत काम करना है। क्यों करें दावत दीन का काम? दावत दीन का काम करने की वजह सबसे पहले ये बता रहे कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, कुरान पर ईमान लाए, और जो लोग दुनिया के जितने भी लोग हैं जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे जो मजाहब है या दूसरे जो सिस्टम्स इख्तियार करकर उनसे अपनी दुनिया अपनी जिंदगी में
जितने भी मसले हैं उनको हल करना चाहते हैं, उनको ये बताना है कि तुम्हारे